जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भाजपा की आशा मुकेश गोटिया निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। दरअसल उनके सामने कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही मैदान में नहीं उतारा, लिहाजा आशा गोटिया को अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर पुनः भाजपा का दबदबा कायम हो गया है। सोमवार को ही निर्वाचन प्रक्रिया में भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के लिए आशा मुकेश गोटिया को मैदान में उतारा गया था। खास बात यह रही कि कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार का अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए नाम नहीं दिया, लिहाजा जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना के द्वारा आशा गोटिया को निर्विरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। आज एक ही नॉमिनेशन आया था श्रीमती आशा मुकेश गोटिया का और उनको विधि मान्य पाया गया नॉमिनेशन, इसका उन्हें निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया गया। कितने सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे थे? सभी सदस्य आए। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुई भाजपा की आशा गोटिया ने बताया कि वो जिला पंचायत के सदस्यों के सहयोग से विकास कार्यों की गति आगे बढ़ाएंगी। मैं जिला अध्यक्ष के चुनाव उपलब्ध करी हूँ भाजपा पद से, तो मैं सारे सदस्यों को बधाई देती हूँ क्योंकि सारे सदस्य मेरे सहयोगी हैं, उनके सहयोग से ही मैं अध्यक्ष बनी हूँ और इस पद पे पहुँची हूँ और मेरे विधायक जी भी। और तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो भी क्षेत्र में कार्य होगा उसको करने की कोशिश करूँगी और सारे सदस्यों को सब सुनते हुए ही उनका सहयोग करूंगी मैं। प्रक्रिया तो जो सदस्यों ने अपने सारे एकमतेन होकर निर्णय लिया, मुझे लगता है कि सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार के साथ में जाना वो किया, क्योंकि सबको विकास चाहिए। तो सारे सदस्यों का एक ही मत था कि निर्विरोध हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं धन्यवाद देता हूँ सबको, विपक्षी भी सभा की सभी सबके, इसमें पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं, सारे लोग एक। संभवतः जिला पंचायत के इतिहास में पहली बार कोई प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है।